इसका सिर्फ एक ही कारण था, वो ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर जो चल रहा है पूरे देश में। तो अभी हम लोग महाराष्ट्र में एक मोर्चा भी हम लोग निकाल रहे हैं। देश के सारे जो बड़े लीडर्स हैं उसमें से तो सबसे आगे तो उनका जी हैं, और तो उनको मैं एक तो मुंबई में जो मोर्चा होने वाला है उसका नेता देने आया था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग, मेरी वो खुद और उनकी पार्टी सब इस मामले में उनके साथ है। ये जो डेमोक्रेसी को बचाना है इसके लिए सेल्फलेसली मैं एक साथ है, साथ में रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगे जो भी कुछ करना है तो मैं हूँ ऐसे समझ लेना, और बस आगे की लड़ाई चालू रहेगी। अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं है ना हाईकोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना इलेक्शन कमीशन से। राज ठाकरे ने आपको बोला कि उन्होंने क्यों आए हुए हैं, और उनका सब कहना एक है कि एक बात है लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ में काम करना। मेरे को भी आमंत्रित किया गया है एक उसको जाने के लिए, लेकिन मेरे को थोड़ा प्रोग्राम है, मैं बाद में बताया। तो जो बात उन्होंने उठाया है सबका भी हमें एक क्वेश्चन है। अगर कोई आदमी कह दे इलेक्शन से पहले कि हमको इतना सीट मिलने वाला है, जैसे महाराष्ट्र में भी कह दिया इलेक्शन से पहले कि इतना सीट मिलने वाला है, अगर यही अगर परिस्थिति है तो कैसे विश्वास करेगा। ताजा बातम्यांसाठी सब्सक्राइब करा गजा हिंदुस्तानला आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।